हेलो गाइस मैं हूँ रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन गाइस आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट गनाश केक की रेसिपी तो ये मेरा ऑर्डर का केक है इसे मैंने रिसेंटली मुझे ऑर्डर मिला था तो वो मैंने बनाया और ये केक ना मतलब मैंने इसका जब उनको दिया तो उन्हें बहुत पसंद आया और इस केक के डिज़ाइन की तो उन्होंने मुझे फ्रीडम दी थी कि बोले आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं तो गाइज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक मैं अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पर ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो यहाँ पर मैं क्या करूँ सबसे पहले अपने ग्रीस कर ग्रीस नहीं मतलब बटर पेपर लगा रही थी यहाँ पर मैंने चॉकलेट प्रीमिक्स ही लिया हुआ है तो यहाँ पर मैं दो कप प्रीमिक्स लिया है क्योंकि मुझे वन के का केक बनाना था तो दो कप मैंने यहाँ पर प्रीमिक्स लिया है अब इसमें मैं डाल रही थोड़ा थोड़ा करके पानी तो पानी हमें क्या करना है थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है एक साथ नहीं डालेंगे नहीं तो हमारा बैटर पतला हो सकता और बैटर पतला होने पर क्या होता है कि कई बार उसमें क्रैक्स आ जाते हैं कई बार ना आ ही जाते हैं उसमें क्रैक्स पतला होने पर तो हमें अपने बैटर को पतला भी नहीं करना है आप देख सकते हैं किस कंसिस्टेंसी का मैं अभी बताऊंगी और यहाँ पे मैंने आ, क्या बोलते हैं दो कप प्रीमिक्स लिया है इसलिए इसमें दो चम्मच मैंने अपना रिफाइंड ऑयल डाल दिया ऐसा ऑयल डालिए जिसमें कोई फ्लेवर ना हो अपने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो मैंने उसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया था और फिर आप देख सकते हैं रिबिन कंसिस्टेंसी में हमें अपना केक का बैटर चाहिए तो यहाँ पे मैंने अपने केक बैटर को केक टिन में डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से फैला देंगे बटर पेपर हमने लगा ही दिया था इससे हमारा केक क्या होगा नीचे चिपकेगा नहीं बहुत अच्छे से स्मूथली निकल के आएगा अब हम अपने बैटर को ना अच्छे से टैप कर लिया था मैंने ताकि कोई एयर बबल हो तो निकल जाए और यहाँ पे मैंने अपने भगवोनी को प्री हीट कर लिया था और इस भगोनी में मैंने अपने केक को बेक कर लिया तीस से पैंतीस मिनट में आपका केक बेक हो जाता है और बहुत ही देखिए कितना सॉफ्ट केक जो है बनके तैयार हुआ है यहाँ पर मैंने इसकी चार लेयर्स इतना अच्छा खुला हुआ था और मैं वो रिकॉर्ड करने का मेरा रह गया तो मेरी उसमें केक में से चार लेयर्स निकली हैं तो यहाँ पे मैं गनाश बनाने की तैयारी करी हूँ तो यहाँ पे मैंने डेलक्टा का क्रीम है और उसकी जगह आप अमूल का क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपकी जो विप क्रीम हो उसको भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने जितनी अपना चॉकलेट ली है उसे मतलब एक एक प्रकार से मैं कहूँ कि एक बट्टी जो होती है ना चॉकलेट की दो ग्राम सौ ग्राम की दो ग्राम की सौ ग्राम की हाँ तो वो मैंने बट्टी ली है चॉकलेट की डार्क चॉकलेट है ये और इसमें मैंने अपना अंदाजे से थोड़ा सा एक दो चम्मच के करीब क्रीम मिला दिया है अब यहाँ पे हमारा जो है नीचे मतलब डायरेक्ट उसको मेरा क्रीम यहाँ पे ओ सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं कुछ भी बोलती जाती हूँ मेरा यहाँ पे गनाश बन के तैयार हो गया है तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कप विप क्रीम विप क्रीम लिया है तो रूम टेम्परेचर पे था वो मतलब ठंडा था लेकिन चिल नहीं था तो उस क्रीम को अब यहाँ पे विप करी हूं। और मैंने यहाँ पे एक कप इसी लिए लिया है क्योंकि मैंने इसके पहले एक एक और ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया था तो मेरे पास में क्रीम रखी हुई थी तो यहाँ पे मैंने केवल इसीलिए मैंने यहाँ पे एक कप क्रीम लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने इसमें क्रीम में डाल दिया है गनाश और गनाश को डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा क्रीम बढ़िया सा बन के तैयार हो गया चॉकलेट गनाश वाला है ना चॉकलेट वाला बहुत ही रिच ये क्रीम बन के तैयार होता है आप ध्यान रखें जब भी, भी आप विप क्रीम लें तो प्रीमियम क्वालिटी का ही विप क्रीम लें तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ मैंने लिया है अपना पहले केक की स्लाइस रख दी है केक बोर्ड के ऊपर और उसके ऊपर मैंने उसको सोक कर लिया शुगर के पानी से कप एक कप कटोरी में सॉरी कप कट ग्लास कटोरी पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ एक कटोरी में पानी लिया है और इसमें डाल दिया शक्कर और फिर उसमें उसको अच्छे से घोल लिया है फिर यहाँ पे मैंने क्रीम की एक लेयर लगाई है और उसके ऊपर डाल दिया है ये गनाश को और इन सबको डालने के बाद में अच्छे से इसको फैला लेंगे केक के चारों तरफ तो इसकी मैंने इसको क्या बोलते हैं पाइपिंग बैग से ही जो है मैंने इसको फैलाया है अच्छे तरीके से क्रीम को क्योंकि अब ये तो ऑर्डर का केक था तो जब वो केक की स्लाइस कट करें ना तो बिल्कुल बढ़िया सा ये केक बन के तैयार हो रहा है तो यहाँ पे मैं अपने केक की जो सबसे टॉप वाली जो लेयर होती है ना उसको रख रही हूँ क्योंकि मुझे केक को ना थोड़ी सी हाइट देनी थी तो मैंने इसलिए कोई भी लेयर इसकी रखी नहीं चारों लेयर मैंने अपने केक में यूज़ कर ली तो फिर से इसको सो कर लिया और फिर से अपने क्रीम की लेयर लगा दिया और फिर इसको इसके ऊपर गनाश डाल दिया है और फिर इसको अच्छे तरीके से फैला लिया है यही हमें चारों लेयर्स में करना है इसी तरीके से गाइस ये केक ना सबको इतना पसंद आया था ये मुझे किसी को मैंने दिया था उसके बाद में उन्होंने उनको रिकमेंड किया तब जाके मुझे ये तब मुझे ये मतलब

ग्लूकोज का ग्लूकोज को मिक्स कर दिया था तो उससे ना एक टेस्ट थोड़ा सा मतलब मैं चाहती थी कि कहीं बाहर जा रहा है ना केक तो उनको बिल्कुल प्रॉपर केक मिले और उनको इतना पसंद आए कि वो दोबारा भी मुझे ही ऑर्डर करें तो बस वही मैं कर रही हूँ तो गर्मी का टाइम है आप समझ सकते हैं क्रीम थोड़ी सी मेल्ट हो रही थी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मैं फ्रिज में रखती थी फिर उसको निकालती थी फिर उसको थोड़ी सी फिनिशिंग करती थी तो मुझे ना थोड़ा फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे किचन में ना ए सी सी तो है नहीं है और गर्मी अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम तो आ ही जाती है बट तो कोई बात नहीं उसको मैनेज तो मुझे करना ही था और मुझे इसको शाम को देना था तो ये मैं दोपहर के टाइम पे काम कर रही हूँ अपने घर का सारा काम निपटाने के बाद में इसको बना रही थी मैं तो अब मैं इसकी फाइनल लेयरिंग कर दिया और उसको फिनिश कर दिया है जहाँ तक हो सका मुझे मैंने उसको फिनिशिंग करने की कोशिश की है अब यहाँ पे जो हमारा गनाश था उसकी मैं यहाँ पे ड्रिप्स बना रही हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते तुम हर बार ड्रिप्स वाला केक बनाते हो क्या क्या करें ऑर्डर ही ऐसे वाले आते हैं और मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ना ड्रिप्स बनाना बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटी कुछ बड़ी इस टाइप की ड्रिप्स बना दी हैं तो केक अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है ना तो गाइज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर बड़ी मेहनत लगी थी मुझे इस वीडियो को बनाने में तो यहाँ पे मैंने ये नोज़ल लिया है इस नोज़ल को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने तो पूरा एक बॉक्स लिया था उसमें ये नोज़ल आया था तो इसी नोज़ल से मैं यहाँ पे नीचे जो है इसकी इस तरीके से बॉर्डर बना रही हूँ धीरे धीरे करके बॉर्डर बनाती जा रही हूँ मुझे तो इसकी बॉर्डर मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये थोड़ा सा शेल टाइप का इसका एक डिज़ाइन बन जाता है तो इसको धीरे धीरे करके इसकी बॉर्डर बना देंगी बढ़िया सा सुंदर सा तो यहाँ पे ऑर्डर बना लेती हूँ फटाफट से मैं इसकी और मैंने पता नहीं क्यों आपको ये केक अभी तक कैसा लगा ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को तो पक्के से हिट कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो डालू ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो इसी तरीके से मैं अपनी वीडियो अपलोड करती रहती हूँ कई बार मुझे ऑर्डर के केक होते हैं कई बार मैं खुद के लिए बनाती हूँ तो बहुत प्यारे प्यारे से केक में आप लोगों के साथ में केक और उनके डिजाइन में आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूंगी तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोज मैं चाहती तो यहाँ पे रोज ना बना के कुछ इस तरीके से रोजेड भी बना सकती थी बट मैं क्या है कि ये दूर से ऑर्डर आया था मैंने आपको बताया <laughs> तो मैं चाहती थी कि मैं अपना जितना हो सके उतना बेस्ट उनको है ना तो मैंने तो कोशिश यही की है आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा उन लोग को तो बहुत पसंद आया उन्होंने काफ़ी तारीफ करी मेरी तो और आपको लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताइए गए तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है छोटा वाला जो रोजेट का नोजल होता है ना वो लिया है और उससे कर्व वाला जो होता है वो और आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ यहाँ पीछे की तरफ खींचते जा रही ये प्रॉब्लम मेरे साथ में हमेशा ही होती है तो मैंने इसका एक छोटा सा रोज़ बना लिया है और तीन रोज़ यहाँ पे मैंने सेंटर में इसके रख दिए हैं तो अब वही वाला जो नोजल क्रीम जो था जिससे मैंने नीचे बॉर्डर बनाई थी उसी से मैं यहाँ ऊपर बॉर्डर बना रही हूँ तो बॉर्डर बनाने के बाद में ये का केक और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है ना तो इस तरीके से इसके चारों तरफ बॉर्डर बना लेंगे एंड आपको ये डिजाइन आपको ये केक कैसा लगा और आप किस तरीके के और डिजाइन देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा क्या होता है ना कमेंट सेक्शन में जब कमेंट देखती हूँ मोटिवेशन बहुत हो जाता है अभी तो मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो कोई अगर एकाधा भी कमेंट आ जाता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ

अब यहाँ पे मैंने लिए गोल्डन पर्ल्स और इसको चारों तरफ डाल दिया और जो ये बॉर्डर के जो गैप होते हैं ना इसमें भी मैंने ऊपर की बॉर्डर में डाल दिया था फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरे को थोड़ा सा नीचे वाली बॉर्डर पे भी कर देना चाहिए तो वो मैंने नीचे बॉर्डर और जो बिल्कुल पारिंग वाले जो आते हैं ना पर्ल्स उनको मैंने ऐसे साइड में थोड़ा सा डाल दिया था तो मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट को देने की कोशिश की है बाकी आपको ये डिज़ाइन आपको ये कैसा लगा मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा ज़रूर बताइएगा एंड यहाँ पे हमारा केक होता है फिनिश बाद में शाम को वो लेने आए थे मेरे केक को मैं ना मैंने क्या किया था कि रोजेस के जो किनारे किनारे होते हैं ना लीफ की उस पर भी थोड़ा सा गोल्डन कलर मैंने कर दिया था और थोड़े से कुछ बड़े मोती भी डाल दिए थे वो क्या होता है ना कि जब तक तो केक आपके पास बने था कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं यहाँ पे मैं आपको वेट भी बता रही हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट ये केक बन के तैयार हुआ था एंड आई आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक दिस केक डिज़ाइन बाय बाय